ये कहानी एक बच्चे और उसकी माँ की है। बहुत ही सबक आमोज कहानी है। पूरा जरूर देखिएगा और हमें हमारे इनाम के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखो मेरे ये है ओस की बेटा, जल्दी उठो, स्कूल के लिए देर हो चुकी है। अभी तक ब्रश नहीं किया है, स्कूल नहीं जाना है क्या? जाओ, रेडी हो। नहीं जाऊंगा मैं स्कूल। स्कूल के लिए लेट हो रही है, जल्दी करो। इतने बड़े बच्चे को शर्ट भी मुझे ही पहनाना पड़ता है, कब इसे अकल आएगी? बेटा, इसी तरह बैग को रखा जाता है। जाओ फ्रेश होकर आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। लो बेटा, ये सेब खा लो और मैं नहाने जा रही हूँ। Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until. बेटा, अभी तक तुम खाना ही खाए, चलो खाना खा लो। मैं गेम खेलूंगा तभी मैं खाना खाऊंगा। खा लो ना बेटा, खा लो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मैं जब गेम खेलूंगा तभी खाऊंगा। खा लो ना बेटा, खा लो। चलेगा मेरे नजरों के सामने से, दोबारा अपनी शक्ल मत। माँ माँ, दरवाजा खोल दे माँ, मैं आइंदा कभी गलती नहीं करूँगा। माँ खोल दे माँ। तूने जब मुझे मारा था तो मैंने सोचा मैं कहीं चला जाऊंगा, कहीं कुछ खा लूंगा, कहीं रह लूंगा। मुझे खाना तो मिल जाएगा, रहने के लिए जगह भी मिल जाएगी, लेकिन माँ, तेरे जैसी मोहब्बत मुझे कहाँ मिलेगी? तेरे जैसे ख्याल रखने वाला कौन मिलेगा? मेरी हर छोटी छोटी बातों को, हर छोटी छोटी तमन्नाओं को, हर छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने वाला कौन होगा? माँ माँ, मुझे माफ कर दे, मैं कभी गलती नहीं करूँगा, मैं कभी तेरा दिल नहीं दुखाऊंगा। लेकिन माँ, अपने दर से, अपने दरवाजे से मुझे धक्का तो मत दे माँ, क्योंकि तेरे दरवाजे के अलावा मेरा कोई दर नहीं, और तेरे जैसा दिल
मुझे कहीं नहीं मिलेगा। मैं तुझसे बिछड़ कर कहीं का नहीं जाऊंगा। तू जानता है कि तेरा मेरे सिवा कोई नहीं, तो तू मुझे परेशान क्यों करता है, मेरी नाफरमानी क्यों करता है? चल तू आज मुझसे वादा कर कि आइंदा तू नहीं करेगा। मैं आइंदा कभी गलती नहीं करूंगा। काश बंदे भी अपने रब से, अपने पैदा करने वाले से ऐसे ही माफी मांग ले, तो वो रब और वो अल्लाह, वो खुदा तो अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, वो भी ऐसे ही माफ कर देगा। और बंदों को खुदा के दर के अलावा कौन सा दर है? याद रखें, अल्लाह बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। हमारी सिर्फ हाथ उठाने की देर है, गिर गिराने की देर है, बिल बिलाने की देर है, खुदा हमें जरूर माफ कर देगा। हमारे मांगने में देर हो जाएगी, लेकिन खुदा के माफ करने में कभी देर नहीं होगी। इसलिए मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, हम चाहे लाख गुनहगार सही, लाख नाफरमान सही, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत के आगे वो गुनाह कुछ भी नहीं है। बस एक सच्चे दिल से एक आंसू बहाने की देर है, तौबा करने की देर है। रहमत खुदावंदी जोश में आएगी और हमें अपनी गोद में ले लेगी, अपने आगोश में ले लेगी। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको समझ में आ गया होगा। दुआओं में याद रखें और हमारे चैनल डीप थॉट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं दानिश साहिद उम्मीद करता हूँ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। फिर अगले हफ्ते हाजिर होंगे एक नई सबक आमोज कहानी लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुदा हाफिज।